हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, नीट 2021 का एग्जाम हो चुका है और आप सभी को अपने नंबर्स भी पता लग गए होंगे कि हमें कितने नंबर आ रहे हैं। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो BMS, BHMS, BUMS इनमें एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। तो वो यही देख रहे हैं कि पिछले साल का कट ऑफ BMS, BHMS, BUMS का कितना गया था और इस साल का कट ऑफ BMS, BHMS, BUMS का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो उन्हीं चीजों के बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर और मैं आपको BMS, BHMS, BUMS का कट ऑफ बताऊंगा 2021 का। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @BeingDrNeet को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है जो नीट की कट ऑफ रहती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जो नीट की कट ऑफ है BMS, BHMS, BUMS के लिए, वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग इन नीट एग्जाम, दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीजिंग एवरी ईयर, और जो थर्ड फैक्टर है वो है जो पेपर का लेवल था वो कैसा था, हार्ड था, मीडियम था या ईजी था। तो इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है नीट की कट ऑफ BMS, BHMS, BUMS के लिए। तो इनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इस साल 2021 के अंदर जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं नीट 2021 की एग्जाम के लिए, वो ज़्यादा हुए हैं पिछले साल से, और जो सीट्स इंक्रीज हुई है मेडिकल कॉलेज की वो भी हुई है। उसके अलावा जो पेपर का लेवल था, ये सबसे मेजर फैक्टर रहता है, इसके ऊपर ही डिपेंड करती है सारी कट ऑफ। तो जो पेपर का लेवल था वो हार्ड था इस बार, मतलब मीडियम हार्ड बोल सकते हो आप इसको। तो इस वजह से क्या होगा, जो कट ऑफ होगी वो 10-15 नंबर नीचे जाएगी पिछले साल से। अब जो कट ऑफ थी पिछले साल की मॉप अप राउंड की, वो क्या थी वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। मॉप अप राउंड की कट ऑफ बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मैं ऑल इंडिया 15% आयुष काउंसलिंग की बता रहा हूँ, और इसको जो कंडक्ट करवाती है वो करवाती है AACCC। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बता रहा हूँ, और इसमें मैंने 3 टाइप्स की गवर्नमेंट कॉलेजेस इंक्लूड की है। पहली है AQG ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, और दूसरी है AQA ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, और थर्ड है NI या CU नेशनल इंस्टीट्यूशन या सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये तो बात कर ली हमने कॉलेजेस के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ पिछले साल की कट ऑफ जो कि रही थी मॉप अप राउंड की। तो मॉप अप राउंड का मतलब होता है लास्ट राउंड, इट मीन्स थर्ड राउंड आयुष काउंसलिंग का। तो उसके अंदर क्या रही थी कट ऑफ BMS, BHMS, BUMS की। जनरल के लिए थी 74,494 रैंक, और मार्क्स रहे थे वो रहे थे 515 मार्क्स। EWS के लिए 74,687 रैंक और मार्क्स रहे थे 515 मार्क्स। उसके बाद में OBC के लिए जो रैंक रही थी वो रही थी 74,738 रैंक, और जो मार्क्स रहे थे 515 मार्क्स। उसके बाद में SC के लिए जो रैंक रही थी वो रही थी 180,264 रैंक, और जो मार्क्स रहे थे 405 मार्क्स। उसके बाद में जो ST के लिए रैंक रही थी वो रही थी 205,308 रैंक, और जो मार्क्स रहे थे 383 मार्क्स। अब ये तो बात हो गई BMS के बारे में। अब हम बात करते हैं BHMS की कट ऑफ क्या रही थी मॉप अप राउंड के अंदर 2020 के अंदर। तो जो BHMS की कट ऑफ रही थी 2020 के अंदर जनरल स्टूडेंट्स के लिए, वो रही थी 120,653 रैंक, और जो मार्क्स रहे थे 465 मार्क्स। अब जो EWS के लिए जो रैंक रही थी वो रही थी 124,955 रैंक, और जो मार्क्स रहे थे 463 मार्क्स। अब उसके बाद में OBC की बात करते हैं हम। तो OBC के लिए जो रैंक रही थी वो रही थी 122,080 रैंक, और जो मार्क्स रहे थे 464 मार्क्स। उसके बाद में SC की बात करते हैं। तो SC के लिए जो रैंक रही थी वो रही थी 249,300 रैंक, और जो मार्क्स रहे थे 355 मार्क्स। उसके बाद में जो ST के लिए जो रैंक रही थी लास्ट BHMS के लिए, वो रही थी 289,329 रैंक, और जो मार्क्स रहे थे 340 मार्क्स। तो ये तो बात कर ली हमने BHMS की। इसके बाद में हम बात करते हैं BUMS की मॉप अप राउंड के लिए क्या रही थी कट ऑफ 2020 के अंदर। जनरल स्टूडेंट्स के लिए रही थी वो रही थी 74,000 रैंक, और मार्क्स रहे थे 498 मार्क्स। उसके बाद में EWS के लिए रही थी रैंक वो रही थी 75,000 रैंक, और मार्क्स रहे थे 497 मार्क्स। उसके बाद में OBC स्टूडेंट्स की बात करते हैं, उनके लिए जो रैंक रही थी BUMS के अंदर वो रही थी 75,000 रैंक, और जो मार्क्स रहे थे 405 मार्क्स। उसके बाद में हम बात करते हैं SC स्टूडेंट्स की। तो SC स्टूडेंट्स के लिए जो BUMS के अंदर कट ऑफ रही थी वो रही थी 182,000 रैंक, और जो मार्क्स रहे थे 392 मार्क्स।
उसके बाद में हम बात करते हैं एसटी स्टूडेंट्स की। तो एसटी स्टूडेंट्स के लिए जो रैंक रही थी वो रही थी 222,600 रैंक, और जो मार्क्स रहे थे वो रहे थे 371 मार्क्स। तो ये तो बात कर ली हमने दोस्तों बीएमएस की कट ऑफ के बारे में, जो कि रही थी लास्ट राउंड के अंदर, इट मीन्स मॉपअप राउंड के अंदर 2020 के अंदर। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है इस साल। अब मैं बात करता हूँ नीट 2021 की कट ऑफ के बारे में, जो कि है बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस के लिए। तो कट ऑफ बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2021 की जो एक कट ऑफ है ये वो मैंने कैसे निकाली है। तो ये जो कट ऑफ है वो मैंने थ्री मेजर फैक्टर्स लिए हैं। उसके अलावा इस साल का जो पेपर था वो डिफिकल्ट था, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसके अंदर 10 to 15 नंबर्स का डिक्रीजमेंट होगा मार्क्स के अंदर, लेकिन जो रैंक रहेगी उनके उनके अंदर ज़्यादा डिक्रीजमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी रैंक कितनी आएगी इस साल और कितने नंबर पर कितनी आएगी रैंक। तो बीएमएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी 2021 की वो रहेगी जनरल स्टूडेंट्स के लिए 74,000 रैंक, और जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 505 मार्क्स। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए जो रैंक रहेगी वो रहेगी 75,000 रैंक, और जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 500 मार्क्स। उसके बाद में ओबीसी के लिए जो रैंक रहेगी वो रहेगी 75,000 रैंक, और जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 501 मार्क्स। उसके बाद में एससी के लिए जो रैंक रहेगी वो रहेगी 182,000 रैंक, और जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 393 मार्क्स। उसके बाद में एसटी के लिए जो रैंक रहेगी वो रहेगी 220,600 रैंक, और जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 372 मार्क्स। तो ये तो बात कर ली हमने बीएमएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 के बारे में। अब हम बात करते हैं बीएचएमएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी 2021 के अंदर। तो ये भी मैं आपको कैटेगरी वाइज बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल स्टूडेंट्स की। तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो रैंक रहेगी वो रहेगी 120, जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो रैंक रहेगी वो रहेगी 120,600 रैंक, और जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 455 मार्क्स। उसके बाद में हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो रैंक रहेगी वो रहेगी 122,500 मार्क्स, और जो रैंक रहेगी वो रहेगी 451 मार्क्स। उसके बाद में ओबीसी स्टूडेंट्स की बात करते हैं हम। तो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए जो रैंक रहेगी वो रहेगी 122,500 रैंक, और जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 450 मार्क्स। उसके बाद में एससी के लिए जो रैंक रहेगी वो रहेगी 249,000 रैंक, और जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 380 मार्क्स। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एसटी स्टूडेंट्स की। तो एसटी स्टूडेंट्स के लिए जो रैंक रहेगी वो रहेगी 290,000 रैंक, और उसके बाद में जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 365 मार्क्स। तो ये तो बात कर ली हमने बीएचएमएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 के बारे में। अब हम बात करते हैं बीयूएमएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी 2021 के अंदर उसके बारे में। तो जो जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो रैंक रहेगी वो रहेगी 120,653 रैंक, और जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 475 मार्क्स। उसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो कैटेगरी रैंक रहेगी वो रहेगी 124,495 रैंक, और जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 471 मार्क्स। उसके बाद में हम बात करते हैं ओबीसी स्टूडेंट्स के बारे में। तो जो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए जो रैंक रहेगी कैटेगरी रैंक वो रहेगी 122,080 रैंक, और जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 470 मार्क्स। उसके बाद में हम बात करते हैं एससी स्टूडेंट्स की। तो एससी स्टूडेंट्स के लिए जो रैंक रहेगी वो रहेगी 249,300 रैंक, और जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 365 मार्क्स। उसके बाद में हम बात करते हैं एसटी स्टूडेंट्स की। तो एसटी स्टूडेंट्स के लिए जो रैंक रहेगी वो रहेगी 289,329 रैंक, और जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 360 मार्क्स। आई होप गाइस सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और गाइस इस वीडियो को बनाने के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो यही थी बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 की, जो कि रहने वाली है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।